हेलो एवरीवन, आज है आज का जो वीडियो है वो है हुंडई वेन्यू के ऊपर। ये गाड़ी आई हुई है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के लिए। अराउंड 3 to 4 months ओल्ड कार है। गाड़ी में स्वॉल मार्क्स आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसका पहले हम लोग पेंट जो करेक्शन होता है वो शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पेंटने वाले हैं, वो रूपेश का प्रोडक्ट है और अभी हम लोग इसमें पेंट करेक्शन शुरू करने वाले हैं। पहले रबिंग एंड कंपाउंड होगा, उसके बाद पॉलिशिंग एंड ग्लेज के ऊपर काम किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो गाइज, इसकी पेंट करेक्शन हो चुकी है, जिसे आप देख सकते हैं। फुल पेंट करेक्शन वर्क हैज बीन डन। हैंडल्स और साइड मिरर्स खोल दिए हमने, सो दैट कोई जॉइंट नहीं आए। जब हम लोग PPF करेंगे कोई जॉइंट नहीं रहेगा। सो अब हम लोग PPF का प्रोसीजर शुरू करने जा रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबब्ली विल बी स्टार्टिंग विद द गेट्स। सो मैं पोस्ट करता रहूँगा अपडेट्स, मैं अभी दिखाऊँगा कैसे होता है PPF। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। गाइस, PPF का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। ये PPF का थोड़ा डिटेल्स दे देता हूँ आपको। दिस इज़ अ TPH क्वालिटी PPF, जिसमें जो अराउंड 50-60% सेल्फ हीलिंग होता है एंड इसमें अराउंड 70% हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ है। जो टेस्ट वगैरह है मैं आपको टेस्ट करा दूँगा। वंस वी फिनिश द कार आई विल गिव यू द टेस्ट ऑफ द सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज एंड द हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज एज वेल। सो ग्लॉस देख सकते हो, ग्लॉस इज़ गुड, अच्छी ग्लॉस आती है इसमें। ये जो PPF है TPH क्वालिटी की, इसकी हम लोग 3 years वारंटी देते हैं। वारंटी होती है क्रैकिंग, बबलिंग एंड डिलिमिनेटिंग की, विच मींस इनसाइड टायर्स। सो इस चीज़ की वारंटी रहती है। एंड ये जो PPF है TPH, ये हम लोग वाइट कार पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज इट टेंड्स टू गेट येलो इन टाइम। सो हम लोग ये वाइट कार पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। No matter what the car is, we don't use it on white cars. So guys, अब हम लोग रूफ में PPF कर रहे हैं। अब रूफ़ में PPF इंसान इसलिए कराते हैं क्योंकि रूफ़ में तो स्क्रैचेस नहीं आते, तो रूफ़ में इंसान यूजली कराते हैं बर्ड बॉगिंग्स के लिए, जो बर्ड की जो शिट होती है उसके लिए। और अगर गाड़ी बाहर खड़ी है तो ट्रीज से जो लीव्स और गिरते हैं, ट्री गम होते हैं उसके लिए, तो वो सब बेसिकली एक मार्क छोड़ देते हैं। सो उसके लिए रूफ़ में PPF होता है। बहुत लोग नहीं कराते हैं, बहुत लोग कराते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज एंड बजट they go for the roof also. हम लोग के वहाँ कटिंग करते हैं, कभी क्लास जो है उसको we'll be right back.
हो चुका है। सो ये Hyundai Venue का PPF ये फुल अब कंप्लीट हो चुका है। इसका हम लोग ने रूम भी किया है, तो पहले हम लोग थोड़ा दिखा देते हैं जो उसमें जो PPF हुआ है। वैसे आपको वीडियो में उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि PPF ट्रांसपेरेंट होता है, बट पूरी गाड़ी में PPF हो चुका है इंक्लूडिंग द रूफ एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ टेस्ट करते हैं, जिससे सबसे पहले जो हम लोग टेस्ट जो करने वाले हैं वो हाइड्रोफोबिक टेस्ट। सो इसका हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज देखते हैं कैसा है। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज जो है बहुत अच्छा है इसका, पानी रह रहा नहीं है बॉडी के ऊपर, जो कुछ बचे हुए हैं वो बबल्स हो चुके हैं। सो एज यू कैन सी इसका हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज इज गुड। अब हम लोग इसमें जो दूसरा टेस्ट जो करने वाले हैं वो है आपका सेल्फ फिलिंग टेस्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसके ऊपर सेल्फ फिलिंग टेस्ट करते हैं। पहले में अब हम लोग एक बार सेल्फ हीलिंग टेस्ट करते हैं कि इसकी जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है वो कितनी अच्छी है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग ये ब्रश से इसको स्क्रैच कर रहे हैं। ठीक है, अब हीट अप्लाई करते हैं। देख सकते हैं कि जो इसकी जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है वो भी अच्छी है। तो ये जो जितने भी स्क्रैचेस आए थे ब्रश से वो सब चले गए। तो आप देख सकते हो कि हम लोग ने दो टेस्ट कर चुके हैं उसके ऊपर, एक हाइड्रोफोबिक टेस्ट किए थे और एक सेल्फ हीलिंग किए। आप लास्ट आते हैं जो हम लोग स्क्रैच टेस्ट करते हैं, इसकी स्क्रैच जो रेसिस्टेंट है वो कितनी अच्छी है। तो गाइस यकीन तो आप देख सकते हैं कि इसमें लाइट लाइट स्क्रैचेस आई हैं। ठीक है, बट वो भी एज इसमें भी सेल्फ हीलिंग है तो वो भी चली गई। गाइज जो स्क्रैच टेस्ट है वो भी सक्सेसफुल है। आप देख सकते हो कि इसमें स्क्रैचेस नहीं है, अब नहीं दिख रहे। सो गाइज ये थी हमारी PPH क्वालिटी PPF। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रोडक्ट्स जो आपके PPH क्वालिटी में जो PPF आता है। इसका 3 ईयर वारंटी पीरियड है और वारंटी इंक्लूड होती है क्रैकिंग, बबलिंग और इनसाइड टेस्ट भी। और ये प्रोडक्ट वाइट गाड़ी में इस्तेमाल नहीं करते हैं बिकॉज ये विद टाइम ये थोड़ी पीली पड़ सकती है, तो इसलिए हम लोग इसको वाइट कार के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है गाइस, तो ये रहा Hyundai Venue पेंट प्रोटेक्शन प्लग।